भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत की सुपुत्री आरती राव ने आज भाजपा महिला मंडल की पदाधिकारियों की बैठक ली और उनसे अधिक से अधिक वोट केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे अधिक से अधिक लोगों के से संपर्क करें और भाजपा की जीत को सुनिश्चित करें ताकि मोदी जी एक बार फिर से देश का नेतृत्व कर सकें और देश को विकास की राह पर ले जा सकें। इस दौरान वहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद थीं जिन्होंने आरती राव को आश्वासन दिया कि वे राव इंद्रजीत सिंह को विजयी बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगी और इसके साथ ही जहां भी वे रहते हैं या और अन्य कार्यकर्ता हैं उनसे भी वोट की अपील करेंगी। बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। आरती राव ने सभी का धन्यवाद दिया कि इतनी संख्या में वे आए और जीत का भरोसा दिया कि राव इंद्रजीत को जिताकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। ऐसे सम्मेलन हुआ, भारी संख्या में महिलाएं आई, किस तरह का प्रोग्राम रहा और किस तरह से समर्थन? जी, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। आई थिंक 400-500 महिलाएं होंगी आज के प्रोग्राम में और भारी समर्थन दे सभी भाजपा। मैं तो मानती हूँ कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए आ रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो बोल रहे हैं जहाँ भाजपा के दिग्गज हैं वहाँ वो ज़रूर जाएं। तो क्या लगता है कि आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर कि बड़े नेताओं की हकूमत नहीं अपने तक? कम्प्लीटली पूरे आश्वस्त हैं जी। ठीक है मैम, आप रोज़ाना लोगों से मिल रही थी, रैलियाँ कर रही थी, किस तरह का जन समर्थन आपको देखने को मिला? जी, जहाँ जा रही हूँ लोगों की भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही है। तो मैं मानती हूँ कि भाजपा के प्रति, हमारे उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबकी सबके जो जो भावनाएं हैं वो आने वाले वक्त में भाजपा की सरकार ज़रूर बनेगी। जैसे मैं हाल ही की बात करें तो जैसे मैं हाल की बात करें तो वहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि मेवात वगैरह की बात करें तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनका मानना है कि उनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, जैसे मैं कहना चाहूँगी कि हर गवर्नमेंट को 5 साल में जितना हो सकता है वो जरूर करेंगे और आने वाले वक्त में अगर वो हमें चुनते हैं फिर से, हम जाते हैं वापस सरकार बना के, तो हम ज़रूर उनके वो जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो पूरे करेंगे। महिलाओं के स्पेशल आज जनसभा और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में रहने वाली महिलाएँ सुरक्षा को लेकर किस तरह की जी? एक चीज़ तो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे PCR वैन्स हमने करवाए हैं MCG और GMDA के थ्रू। PCR वैन्स जगह जगह यहाँ पे आज के दिन CCTV लगवाई जा रही है, हमारे बस सर्विस पे भी CCTV लगाई जा रही है। अगर आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हमें और पुलिस वालों को तैनात करना पड़ेगा थोड़ी और सिक्योरिटी देने, ताकि लोगों को महिलाओं को अपने आप को महफूज रख सकें और फील कर सकें। आप पार्टी के नेता नवीन जैन, उन्होंने अपनी जनसभा में एक बात कही थी कि 23 मई के बाद वो मनोहर लाल खट्टर को DC रेट पर चौकीदार रखेंगे, किस तरह के बयान को आप किस तरह के? जी, मैं राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हूँ और राव इंद्रजीत सिंह ने आज तक किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा। मैं मानती हूँ कि जो मैं समझती हूँ कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, थैंक यू।